बच्चा जब छोटा है, गोदी में है, वो बच्चा गंदगी भी कर रहा है तो भी नारी पवित्र। दूसरा स्थान कौन सा बताया? पति की सेवा अगर पत्नी कर रही है, पति सेवा में लगी है, तो वो पवित्र। तीसरा स्थान कौन सा बताया? घर के बुजुर्ग माता पिता सास ससुर की सेवा में लगी है, वो पवित्र। ये पवित्रता का भाव बन गया। पक्षी, पशु, जीव, जानवर, अगर इन पशु पक्षी को, इन जीवन जानवर को अगर भगवान का भजन करना है तो इनको क्या स्नान करना पड़ेगा? क्या इनको उस स्नान के बाद पूजन करेंगे तो उसका क्या फल प्राप्त होगा? कल एक प्रसंग पर अपन रुके थे कि सौभाग्यवती नारी, सुहागिल स्त्री जब सुहागिलें करती हैं, अब यहां पर गोरनी बोलते हैं कि सुहागिल बोलते हैं, जो भी आप लोग बोलते होंगे तो अपने ऊपर है, आप लोग तो। जब सौभाग्यवती नारी गोदी में, ये सती मैया के प्रसंग से ये प्रसंग है, ध्यान देना महाराज, बहुत बहुत स्मरण में रखिएगा, आपके कोई पूछे तो आप लोगों को जवाब देने में दिक्कत नहीं आएगी और आप उस स्मरण करेंगे। सती मैया अग्नि में कूद गई, द्रौपदी के पवित्रता से सती मैया के अग्नि कुंड में कूदने से और माता पार्वती के प्रागट्य से और पार्वती जी के मंगल विवाह से शिव जी के साथ और शिव जी के यहां से जब भगवान शंकर के साथ माता पार्वती जी जब विवाह कर आ गईं, शादी कर जब पहुंच गईं, विवाह कर जब पहुंची हैं और लक्ष्मी सरस्वती गायत्री इंद्राणी ये सभी देवियां जब कैलाश धाम पर एकत्रित हुई उस प्रसंग से को जोड़ा गया। सती मैया क्रोध की अग्नि में यज्ञ कुंड के अंदर जाकर कूद जाती हैं और उनको श्राप लग जाता है कि तुम देव यज्ञ में देवताओं के होने वाले इस कार्य में होने वाले सत्कर्म में तुम कूदी हो, इसलिए तुम्हें कोयल की योनि प्राप्त है। शंभू शंभू शंभू, तुम्हें कोयल की योनि प्राप्त हो। सती मैया ने हाथ जोड़कर देवदिव्य महादेव से प्रार्थना की, प्रभु गलती तो हो गई, अब ये गलती तो हमसे हो गई है कि ये अग्नि में हम, यज्ञ की अग्नि में हम कूद गए हैं, थोड़ा बेस कम कर बाबा, यज्ञ की अग्नि में हम कूद गए, ये गलती तो हमसे हो गई,
पर क्षमा भी तो आप ही को करना है प्रभु, क्षमा भी तो आप ही को करना। शंकर भगवान ने कहा तुम कोयल के रूप में जन्म लेने के बाद में जब दो आषाढ़ पड़ेंगे जिसको दुनिया के लोग कोकिला अधिक मास कहेंगे, और ये दो आषाढ़ में तुम जब मेरी आराधना करोगी अखंड सौभाग्य को पाने के लिए, अखंड सौभाग्य को पाने के लिए जब तुम मेरी आराधना करोगी तब तुम पुनः हिमालय राज की बेटी बनोगी, और हिमालय राज की बेटी बनकर, हिमालय राज की पुत्री बनकर, बेटी बनकर तुम मेरी आराधना कर मेरा तप कर मेरी साधना कर मेरी तप साधना में लग कर तुम मुझे पुनः प्राप्त करो, वापिस मुझे तुम प्राप्त करो। अब देखिएगा कोयल का जन्म मिल गया माता सती को, और कोयल के जन्म को पाकर मां सती जगह जगह भ्रमण करने लगी। भ्रमण करते करते एक बार माता सती देवऋषि नारद के सम्मुख में प्रकट हुई। और देवऋषि नारद ने जब माता सती को देखा तो माता सती से कहा, सती माँ को नमन कर कहा कि एक छोटी सी गलती सती माता तुमने कर ली, एक तो अपने पति के सामने जाकर झूठ बोल दी, दूसरा सीता जी बनकर राम जी की परीक्षा ले ली, तीसरा अपने पिता के घर में यज्ञ में तुम बिना बुलाए चली गई, और चौथा जो गलती तुमने करी है वो गलती सबसे प्रबल गलती ये करी कि उस यज्ञ की अग्नि में, यज्ञ के कुंड में तुम कूद कर अपने प्राणों को त्याग, उस यज्ञ की अग्नि में तुमने अपने प्राणों को त्याग दिया, उस यज्ञ की अग्नि में तुम अपने प्राणों को छोड़ दिया। अब थोड़ा सा ध्यान लगाना, ये जितनी माताएं बैठी हैं, जितने भाई बैठे हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर कथा का स्मरण करना। सती मैया के जन्म से पहले, पार्वती जी के जन्म से पहले जितने जितने जन्म माता पार्वती के हुए हैं, उमा बनकर, कात्यायनी बनकर, चंद्रघंटा बनकर, कुष्मांडा बनकर, स्कंदा बनकर, कात्यायनी बनकर, गौरी बनकर, उमा बनकर, ये सब माता पार्वती जी के जन्म के पहले के सारे जन्म माता पार्वती के हैं, जितने भी हैं, उमा, कात्यायनी, चंद्रघंटा, गौरी, महागौरी, स्कंदा, कात्यायनी, ये जितने जितने माता के अवतार हैं, ये सब पार्वती जी के जन्म के पहले के। सती मैया के भीतर ये भाव जागृत हो गया, माता सती के अंदर ये भाव जागृत हो गया। देवऋषि नारद से कहा कि मैं 51 ये जितने जन्म मैंने लिए हैं, 50 जन्म में ले चुकी हूं, और पार्वती का जो मेरा जन्म होगा वो 51वें नंबर का होगा। कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरी मांग का जो सिंदूर है वो अखंड रहे, और बार बार मुझे इस शरीर को छोड़ना ना पड़े, इस शरीर से बार बार ये शरीर मेरा छूटे, ऐसी कुछ कृपा, ऐसी कुछ दया, ऐसी कुछ करुणा हो जाए। कहा देवऋषि नारद,
तुरंत वर्णन कर दिए। मां जब तुम्हारे चित्त में, जब तुम्हारे भावों में, तुम्हारे हृदय में तुम्हारे चित्त वृत्ति में तुम्हारे हृदय में तुम्हारे भावों में जिस समय पर तुम कोयल बनकर भी एक अन्न के दाने को अगर उठा लोगी और वो अन्न का दाना तुमने जो उठाया है अगर वो दो भाग वाला है, वो अन्न के दाने में अगर दो भाग हैं जिसको तुमने उठाया और वो अन्न का दाना भूलवश भी अगर किसी सौभाग्यवती नारी की गोद में अगर पड़ जाता है तो मां तेरा वो अखंड सौभाग्य भी रहेगा और तुझे जिंदगी में दूसरी बार फिर बदल कर जन्म नहीं लेना पड़ेगा। एक ही अखंडता में चलना है, एक अखंडता के साथ। कभी आप अपने घर की बुजुर्ग माताओं से पूछना कि ये सुहागिल जब हम करते हैं, सौभाग्यवती नारियों को जब हम सुहागिलों को जब हम बुलाते हैं, मांग में सिंदूरा देते हैं, गोदी में चना और गुड़ डाल देते हैं उसके, तो ये चना गुड़ का महत्व क्या है? कभी सौभाग्यवती नारियों से या जितनी सुहागवती माताएं हैं जो बुजुर्ग घर की माताएं हैं उनसे पूछना कि ये सुहागिल जब हम करते हैं 11, 5, 7 बिठाते हैं उनकी गोदी में चना और गुड़ जो हम डाल देते हैं, ये प्रसंग कहां का, ये प्रसंग का सार्थक तो कहां से? दुनिया में चीज में मिलावट हो सकती है।